नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ओनिका महेश्वरी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने आज फरीदाबाद शहर में अपने कार्यालय पर लोगों को तिरंगा वितरित किए और साथ ही लोगों से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। उन्होंने कहा कि 13, 14 और 15 अगस्त को ज्यादा से ज्यादा तिरंगा फहराने का काम करें। उन्होंने ये भी कहा कि आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ऊंचाइयों को छू रहा है और आगामी 25 सालों में विश्व गुरु बन जाएगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा है, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। आगामी 14 तारीख को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, वहीं विभिन्न स्थानों से होते हुए ये यात्रा लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। सब इसका ऐवान एक साल पहले हम साबरमती आश्रम से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उसके तहत 13, 14, 15 तारीख को सभी लोगों ने अपने घरों पर झंडा फहराना है। आज झंडा वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ किया, कार्यकर्ताओं को भी अपने पड़ोस पड़ोस में गली मोहल्ले में ले जाकर इस तरह तिरंगे को लगाने का काम है। सर 75वां किस तरीके से, देखिए आज एक बहुत बड़ा सम्मान की बात है कि आज हमारी आज़ादी को आने वाले 15 अगस्त को 75 साल पूरे होने वाले हैं और आज देश माननीय नरेंद्र मोदी जी की तो इतनी बड़ी ताकत के रूप में है कि आज विश्व उसकी ओर देख रहा है और विश्व के बड़े बड़े देश अगर कोई भी बात हो, कोई भी किसी भी तरीके की मंत्रणा हो, उनमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विचार विमर्श किया जाता है और देश पूरा का पूरा विश्व आज भारत की ओर बड़ी कहते हैं ना बहुत सारी उम्मीदों भरी निगाहों से देखें। 25 सालों में हमारा भारत विश्व गुरु होगा और पूरा विश्व उसके झंडे के तले चलने का काम। 14 तारीख को तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं, क्या रूप में रहेगा? देखिए नई अग्रवाल धर्मशाला जो कि पटवारी मंदिर के सामने आ गया है बाजार में से, वहाँ से हम लोग शाम को 4 बजे तिरंगा यात्रा को शुरू करेंगे और नई सब्जी मंडी चौक सेक्टर 16 के चौक पे इसकी समाप्ति करेंगे। 1.5 से 2 किलोमीटर का जो रन है इसे तय करेंगे। हम पैदल यहाँ से चलेंगे लेकिन जो बुजुर्ग लोग महिलाएं जो नहीं चल सकते इतनी दूर, वो पीछे मोटरसाइकिल और कारों में भी झंडा लेकर हमारे साथ साथ चलने का काम करेंगे। विपक्ष इस तिरंगा अभियान का लगातार विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, कोई भी विपक्ष, कोई भी भारतीय जो भी भारत का नागरिक है वो इस तिरंगा अभियान का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोई जाति मजहब या किसी पार्टी का अभियान नहीं है। ये देश का उत्सव है क्योंकि 75 साल पूरा होने पर मनाया जा रहा है, पूरा देश तिरंगे के सम्मान की बात सब कर रहे हैं, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है कि अपमान ना हो, इसलिए 16 तारीख को सहेज कर भी रखें तिरंगे को। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा, 15 अगस्त को हमें झंडे को तो फहराएं, लेकिन बाद में विपक्षी या जो लोग सिर्फ नेगेटिविटी ढूंढते हैं, वो लोग इस तरीके के फोटो कि झंडे को फेंक दिया गया, झंडा फट गया, झंडा मुड़ गया, इस तरीके की बात ना करें। इसलिए अब 15 अगस्त या 16 अगस्त की सुबह इस झंडे को सह सम्मान उतार कर इसे लपेट कर रखें, जो अगले साल फिर जब आजादी का महोत्सव आएगा 15 अगस्त से पहले इसे हम फहराने का। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।